नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। भारी बारिश के चलते यूपी के अधिकांश हिस्से तबाही से जूझ रहे हैं, इसमें अयोध्या भी अछूता नहीं है। अयोध्या में इन दिनों सरयू उफान पर है। एक ओर जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं भगवान राम के मंदिर निर्माण में रुकावट आ रही है। 4 अक्टूबर से लगातार हो रही बारिश के कारण मंदिर निर्माण का कार्य प्रभावित हो गया है। निर्माण के कार्य को पूर्ण रूप से ठप्प कर दिया गया है। मंदिर परिसर में मिट्टी में जहां कटान हो रहा है, वहीं भीषण बारिश से उपजे कीचड़ में 2 बड़ी क्रेन मशीनें फंसी हुई हैं। फिलहाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का दावा है कि मौसम साफ होने के साथ ही 5 से 7 दिन में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन मंदिर निर्माण में फिलहाल बारिश ने अवरोध उत्पन्न कर दिया है। वहीं पिछले दिनों हुई बारिश और नेपाल के बैराज से छोड़े गए पानी से सरयू नदी उफान पर है। सरयू के रौद्र रूप ने चारों तरफ बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। बाढ़ से बचने के लिए गोंडा क्षेत्र से नाव के सहारे आ रहे लोगों की नाव बीच मझधार में फंस गई। गनीमत यह रही कि नाव चलाने वाला पतवार अपनी सूझबूझ से नाव को किसी तरह पेड़ के सहारे रोक लिया था, इस वजह से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सकुशल बचा लिया। गौरतलब है कि गोंडा क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग नाव के सहारे सोहावल में बने बाढ़ राहत कैंप में आ रहे थे, इसी दौरान उनकी नाव सरयू के उफान में फंस गई। बता दें कि ढेमुआ पुल को बंद किया गया है, जो कि अयोध्या और गोंडा को ये पुल जोड़ती है, इसलिए लोग नाव के सहारे नदी के रास्ते होकर सोहावल में बने बाढ़ पीड़ित राहत कैंप में पनाह लेने के लिए आ रहे थे। नाव में सवार कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना पाकर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कर सभी लोगों को मोटर बोट के जरिए सरयू के उफान से बचाने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जनपद गोंडा के प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। और आप लोग रो रहे हैं? हमारे परिवार वहाँ पेड़ के नीचे सारे फंसे पड़े हैं और वहाँ एकदम पानी से डूब रहे हैं। अब कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ से यहाँ निकाल लिया जाए। कहाँ फंसी है नाव? ये नाव ये पुल के पच्चू गोंडा माझाम में, पुल के पच्चू साइड में। अब कोई सुविधा नहीं दिया जाता कि निकाल के इनका ऊंचे करा जाए। कुछ नहीं, कोनो सुविधा नहीं दी इस गोंडा प्रशासन। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अच्छी ठीक संतोषजनक गति से चल रहा है। 4 अक्टूबर से वर्षा के कारण तात्कालिक कठिनाइयां पैदा हुई हैं। मिट्टी का कटान, कीचड़, इन सब में क्रेन का चलना कठिन हो गया है। पश्चिम की दिशा में 2 बड़ी मशीनें कीचड़ में धंसी हुई पड़ी हैं, तो इन सब कारणों से थोड़ी बहुत बाधा आई है, तात्कालिक है। सूर्य देवता कृपा करेंगे, 5-7 दिन में सब सूख जाएगा तो कार्य को फिर आबाद गति से जारी रखेंगे। 15 फीट ऊंची कुर्सी तैयार हो जाने के बाद खंभों का लगना भी प्रारंभ कर दिया है। गर्भगृह में मकराना पत्थर के खंभे खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मकराना का मतलब सफेद मार्बल, उच्च कोटि का व्हाइट मार्बल इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद। रात के अंधेरे में बसों से उतार कर गोलियां चली, इसकी तो प्रशंसा वो खुद भी नहीं करेंगे, वो भी ग्लानी अनुभव करते रहे होंगे, तो कोई भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन जो उनकी अच्छी बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इसे सीखना चाहिए कि राजनेता बनने के लिए जनता में जाना महत्वपूर्ण होता है, किस खानदान में पैदा हुए ये महत्व की बात नहीं है।